असला घर की छत पे इस तरह के या मिलते जुलते डरबे पिंजरे में मुर्गियों की किसी भी अच्छी नस्ल से मुर्गबानी का आगाज एक जबरदस्त सोच है ताकि सस्ती खाद ताज़ा सहपश गोश्त और ताज़ा अंडों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके खुशगवार और तनाव से आज़ाद इस माहौल में पिंजरे को मौसम की मुनासबत से मुख्तलिफ सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा ताकि अंदर मौजूद पोल्ट्री बर्ड्स मौसमियाती तब्दीलियों के मौजर असरा से महफूज रहें छत पे मुर्गबानी के हवाले से इन अहम पहलुओं को लाजमी मद्द नजर रखे पिंजरा रखने के लिए ऐसी जगह मंतह करें की रोशनी भी अंदर दाहल हो सके और रिहायश का हवादार भी रहे पिंजरा इस कदर महफूज होना चाहिए की ना तो अंदर शिकारी दाहल हो और ना ही वो बार बार टूट फूट का शिकार हो बनावट ऐसी होनी चाहिए की पिंजरे की सफाई या उसमें गजा पानी की तकसीम के दौरान आपको दुशारी पेश न आए साफ सुथरा बिस्तर मुंतब करे टांग जगह पे ज्यादा चिकंज ना रखें कोशिश कीजिएगा कि पिंजरे के बाहर की जानबी कदरे खुली जगह मुहैया रखी जा सके अगर मौसम सरमा चल रहा है तो दिन में दो मरतबा खुराक तकसीम करें तीन से चार चार से पांच मरतबा ताज़ा पानी मुहैया करें अगर गर्मियाँ हैं तो दो मरतबा फीडिंग और तीन से चार मरतबा ताज़ा पानी भर के दें परिंदू को गजा खिलाने और पानी पिलाने के लिए मुख्तलिफ सिस्टम इस्तेमाल में लाए जाते हैं छोटे या बड़े ड्रिंकर्स को इस्तेमाल में लाकर ताज़ा पानी दिया जाता है यहाँ पे ये वाटर लाइन लगाई गई है जिसे बवकते जरूरत दू की हाइट के हिसाब से ऊपर या नीचे किया जा सकता है फीडिंग के लिए फीडर लाइन पाइप काट कर प्लेट ट्रफ या राउंड फीडर इस्तेमाल में लाए जाते हैं लेकिन जो भी सिस्टम इस्तेमाल में लाएं भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि ना तो चिकन को इस गजा को खाने में दिक्कत पेश आए ना वो इसको गंदा कर सके और ना ही इसका जया हो रोजाना की बुनियाद पे अपने बर्ड्स के जिस्मानी बर्ताव बिहेवियर को देखें नोट करें ताकि अगर किसी दिन मुर्गियों का जिस्मानी बर्ताव नॉर्मल ना रहे

इसके मुताबिक तैयारी की जाए इसके मुताबिक सेटअप बनाया जाए और पोल्ट्री बर्ड्स को साज कर माहौल मैसर हो ताज़ा साफ सुथरे पानी की फ्राहमी के लिए अगर आप इस तरह की वाटर लाइन लगाते हैं जिसके नीचे की जनब कोली ऊपर निपर लगी हुई है तो इसको दिन में वक्तन फोक्ता कम अज़ कम दो या एक मरतबा लाजमी चेक किया करें कि पानी का फ्लो इसमें भरपूर आ रहा है या कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर बायोफिल्म की वजह से या किसी और गंद कचरे के बायस बलाके गई है और पानी का बहाव पानी का फ्लो कम हो चुका है क्योंकि किसी भी वजह से पानी का बहाव कम हो जाए तो चिकन का वाटर इनटेक वैसा नहीं रहता जैसा आमतौर पे होना चाहिए मुर्गियों की किसी भी नस्ल की बेहतरीन कारकरी के तल्लुक, दीगर जरूरी अवामल के साथ साथ ताज़ा, साफ सुथरे पानी की सप्लाई के साथ भी है फीडिंग के लिए इस तरह के पाइप इस्तेमाल करवाते हैं, तो इन्हें ऐसे एंगल पे इतनी हाइट इतनी ऊंचाई पे रखिएगा कि जिससे फीड खाने के लिए मुर्गियों को अपना पूरा वजन पंजू पे डालकर अपनी गर्दन को स्ट्रेट सामने की जनब रख के गजा खानी पड़े क्यूँकी इस तरह की तरतीब ऐसी चिकन की जिसमानी बनावट पठों और ढांचे की मजबूती यकीनी हो जाती है जैसे ही मुर्गियों को गजा तकसीम करें उनके करीब मजीद सरगर्मियां ना करें उन्हें एक स्ट्रेस फ्री तनाव से आजाद माहौल में फीडिंग करने दें और आधे पौने या एक घंटे के बाद आकर ये चेक करें कि कितनी गजा बाकी है ताकि आपको अगले दिन के लिए आइडिया हो सके कि हमारी मुर्गियाँ इस वक़्त इस जिसमानी वजन के साथ और इस उम्र में कितनी गजा खाती हैं रोजाना की बुनियाद पे आप उनके लिए एक गजा का शेड्यूल सेट कर सके खुराक इतनी ज्यादा मकदार में न दें के बर्तनों में फीडर लाइन के अंदर ये बचना शुरू हो जाए क्योंकि जितनी ज्यादा मिकदार में गजा बचती जाएगी उतना आपके बर्ड्स का फीड इनटेक मुतासर होगा उतना उनके जिसम के अंदर फैट पैड बैली में चर्बी होती जाएगी और ये आपकी मुर्गियों की पैदावार को मुतासर करेगी साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन बिस्तर को खराब या गीला ना होने दें ताकि आपके कीमती चिकन की आंतें खराब ना हों और ना ही उनकी आंतों में सोजश हो रिहायश का में धूल की वजह से सांस की नाली की रंगत सुरगी होगी नमी का हाथ से तजावज कर जाना या बहुत कम होना भी नज़ाम तनफस को रेस्परेटरी सिस्टम को ख़राब करने का बस बनता है फेफड़ों की रंगत सांस के दरीना मसाइल की वजह से तब्दील होगी जगह फी परिंदा कम देंगे तो तब भी हवा की थैलियों के ख़राब होने की वजह से ना तो इतनी ज़्यादा मकदार में जिसम पे गोश्त इकट्ठा होगा और ना ही आपके पास अच्छी मकदार में अंडे आएंगे इन छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रख के आप अपने चिकन की ना सिर्फ अच्छी सेहत बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं बल्कि आपको उनसे कारकरी भी ज़बरदस्त हासिल होती है मुर्गियों की उम्र के मुताबिक रोशनी की कमी या ज्यादती में गलत फैसला मुर्गियों को प्रोलैप्स की जनब ले जाता है और अंडू पे खून के धब्बे आपके काम की मार्किट को ख़राब करते हैं आपके लिए एग्स की क्वालिटी को मुतासर करते हैं जितनी ताहिर से अंडा उठाएंगे या बिछाली की देखभाल में गफलत बरतेंगे उतने गदले अंडे हासिल होंगे आंखों की खराबी दर्जा हरारत नमी हवा जैसे ज़रूरी अनासर में से किसी एक की खराबी की वजह से हो सकती है और फिर ऐसे बर्ड्स बसारत की कमजोरी की वजह से खुराक पानी तक अच्छी तरह से रसाई हासिल नहीं कर पाते दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं एक ऐसा वक़्त आता है कि अमवात का शिकार होने लगते हैं बेहतरीन वेंटिलेशन की वजह से बिस्तर खुश्क रहता है और हैप्पी चिकन बेहतरीन पैदावार का बास बनते हैं कलगी की खराबी अंडू का हरा मैार आंखों के मिसाइल और हरा बिस्तर आपकी मैनेजमेंट की खराबी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जवान मुर्गियों को आगाज में कम अज कम चौदह घंटे रोशनी दरकार होती है यानी अगर कुदरती तौर पे उन्हें 12 घंटे रोशनी मिल रही है तो एक घंटा सुबह एक घंटा रात को आपने उन्हें मसनू लाइट देनी है जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके लिए रोशनी का दुरानिया में आपको इजाफा करना पड़ेगा ताकि इनकी अंडों की पैदावार मुस्तकम रहे क्योंकि मुर्गियों की ओवरी ओवरीडगड अंडा बनाने का जो निज़ाम होता है उसका रोशनी के साथ तल्लक़ होता है अगर रोशनी कम हो जाती है आपके बर्ड्स मोल्ट पे आ जाएंगे यानी अपने पार गिराने लगेंगे जिसमानी वजन में कमी होती जाएगी और इसी हिसाब से अंडू की पैदावार भी कम होती जाएगी जब मुर्गियाँ दरमिया उम्र की हों तो कम अज़ कम पंद्रह साढ़े पंद्रह घंटे रोशनी दें और जिस वक़्त वो कदरें बूढ़ी हो जाए उस वक्त उन्हें सोलह घंटे के लगभग रोशनी दरकार होती है बायोसिक्योरिटी यानी ज़िंदगी की तहफ़ ताज़ा हवा परिंदों के लिए मुनासब जगह जैसे पहलू चिकन के गोश्त अंडों की तादाद और अंडे के छिलके के मैार पे असरअंदाज होते हैं ताज़ा हवा की अदम दस्याबी और बर्ड्स के लिए बॉय सिक्योरिटी यानी ज़िंदगी के तहफ़ के सिलसिले में गफलत बरतना उनके मुखलिफ़्ली अज़ा की खराबी का बायस बनेगा जिससे ना सिर्फ परिंदों की सेहत मतासर होती है बल्कि अंडों गोश्त की मकदार में भी वाज कमी नजर आती है कलगी पे काले दाने या बेतरतीब काले निशाना जिसम ख़राब खुराक की वजह से पफोंदी जहर माता या चीचक का नतीजा होते हैं और किनारू का नीला हो जाना किसी आरजे बीमारी या कम ऑक्सीजन की वजह से होता है मुर्गियों को मोजर जरसोमो मुतलि बीमारियों से महफूज रखने के लिए उनकी इम्यूनिटी को उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है जिसके लिए आपको वैक्सीन का सहारा लेना पड़ता है ऐसी कूद बश ताकतवर घरेलू गुजाए घरेलू अजनास देने पड़ते हैं कि जिनकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे उनकी इम्यूनिटी कमजोर ना पड़े और एक ऐसा माहौल कि जिसमें जरसुमो की कम से कम नशो नुमा हो जिसमें आपके चिकन स्ट्रेस फ्री रहे ताकि अद्वियात अहराजात भी ना हो और परफॉर्मेंस यानी भी मुस्तकिम रहे बहरहाल आप छत पे चिकन रेजिंग के लिए मुर्गबानी के लिए किसी भी सिस्टम का इंतजाम करें इन तमाम पहलुओ को लाजमी मद्देनजर रखिएगा जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए गए हैं अपना ख्याल रखें असलिकम व वक्त